अगर एक मुष्टिका भी हनुमान जी मार देते ना तो रावण तो वहीं पे धराशायी हो जाता। तो आप हनुमान जी से कम थोड़ी है, हमारे पूरे मंगलुरु की धरती का हर वीर पुत्र हनुमान जी की बराबर। तो उठाना हनुमान जी की गदा, उठाना भगवान श्री राम का धनुष और उनसे कहो हमारे भारत देश में भोकने वाले लोगों की कमी नहीं है। भाग्यनगर जिसको आज हैदराबाद कहा जाता है, वहाँ दो गीदड़ रहते हैं, सभी जानते हैं ना। वो गीदड़ इतना चिल्लाता है लेकिन सिर्फ अपने झुंड में चिल्लाता है। उस गीदड़ की इतनी औकात नहीं है कि हिंदुओं के सामने आके कुछ बोल सके। अपने झुंड में वो होता है ना, एक गीदड़ बोलता है तो पीछे पीछे सारे गीदड़ चिल्लाने लगते हैं और कुछ हिंदू डर जाते हैं कि ये ऐसा कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है। अब उसकी बात का अंदाजा आप इसी शब्द से लगा सकते हैं कि उसने कहा कि 25 मिनट के लिए पुलिस से हटा दो। इसका मतलब उसको पुलिस से डर है। ये जो पुलिस है ना, इनके अंदर भी हिंदुओं का खून है। अगर भारत की पुलिस को ललकार के कहता है ना, भारत की पुलिस अगर चाह ले, वो तो राम जी का उसने नाम लिया, भले गाली थी उसने, वो तो उसने राम जी का नाम लिया, इसने अभी तक जिंदा है भैया, वरना उसके हड्डियां कहां जाती पोस्टमार्टम के लिए भी दिखाई नहीं देती। होते ऐसे कई लोग, होते ऐसे गीदड़ जो रहते भारत देश में है, खाते भारत देश की और भगाते पाकिस्तान के, ऐसे डोरियों को जिसमें मार के भारत देश से निकाल देना चाहिए। कई लोग कहते साध्वी जी आप तो संत हैं, संतों को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, संतों को गालियां नहीं देनी चाहिए। मैंने कहा भैया अब हम उस परंपरा के संवाहक नहीं रह गए जो परंपरा में कहते थे कि कोई इस गाल पे मार दे तो भैया ये गाल भी दे दो। ना ना, बहुत मार दिया और बहुत मरवा लिया, अब तो थप्पड़ मारने मरवाने की बात नहीं है कि कोई इस गाल पे मारे तो ये गाल भी दे दे। हम बहुत कह चुके, एक दोहा सुना होगा आपने, दोहा सुना होगा, उसमें कहा जाता दो जो तो काटा वो ताको मोर तुम फूल और ताको फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। मैं कहती हूँ नहीं नहीं, अब फूल जो त्रिशूल वो है उसको फूल मत देना, जो तो काटा वो है। हिंदू याद रखना, ये लाइन हमारे भारत देश की संतों की है। ये जो बात मैं आज मंच से बोलूंगी आप सबके लिए है, गांठ बांध लो उस बात को कि दो तो काटा वो है ताको वो तुम भाला और वैसी साला क्या याद रखेगा अपना हिंदू से पाला। अगर भारत देश में जिसे रहना होगा उसे वंदे मातरम कहना होगा। भारत देश में राम मंदिर पे इतने सारे अड़चन आ रहे हैं, कभी कहता है कोर्ट निर्णय करेगी। आप बताओ राम मंदिर का निर्णय क्या कोर्ट करेगी? नहीं, ये हिंदुओं की आस्था है, हिंदुओं की श्रद्धा है। हम सभी चाहते ना राम मंदिर बने, हाथ उठाइए, सभी चाहते ना राम मंदिर बने। हैदराबाद में कहा जाता है हम राम मंदिर बनने नहीं देंगे। वो कहता है राम जी के माता पे प्रश्न चिन्ह उठाता है। मैं तो एक ही बात कहूंगी कि ओवैसी तू क्या, तेरा बाप भी आ जाए तो राम मंदिर बनने से रोक नहीं सकता। और तेरा बाप क्या, पूरा पाकिस्तान भी आ जाए ना तो राम मंदिर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इस मंच से कहते हैं हम, इस मंच से कहते हैं कि राम मंदिर तो बनेगा, अयोध्या में बनेगा और दूसरा राम मंदिर इस्लामाबाद में बनेगा। और ये सारे हिंदू जाके वहां पे पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, वंदना करेंगे। हमें कहा जाता है हम धर्मांतरित करते हैं, हम धर्मांतरित करते हैं नहीं, हम तो घर वापसी करते हैं। धर्मांतरण तो वो करते हैं, एक मुट्ठी चावल दे दिया राष्ट्र क्रिश्चियन बन गए, एक पैरासिटामोल की टेबलेट दे दी वो धर्मांतरित हो गए। हमारी बहन बेटियों की इज्जत को लूटा जाता है, अस्मिता को लूटा जाता है, लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है। अपनी बहनों के हाथ में घर जाते ही एक एक तलवार पकड़ा देना, एक एक शस्त्र पकड़ा देना और कहना बहन याद रख कोई भी मुसलमान तेरी तरफ आंख उठा के देखे तो सबसे पहले इसी तलवार से उसकी गर्दन को काट देना, पर कभी लव जिहाद का शिकार ना होना। भैया आपको पता है इनका दूसरा जिहाद है लैंड जिहाद। गली में जाओ आप, बेंगलोर रोड में चले जाओ, मुंबई रोड में चले जाओ, कहीं भी जाओ, हर 10 किलोमीटर पे छोटी सी जगह पे हरा हरा चादर उड़ा देते हैं और अल्लाह अल्लाह करके हल्ला करना शुरू कर देते हैं।
हमें तो भैया परमिशन मांगनी पड़ती है, हमें परमिशन मांगनी पड़ती है। हमने कहा शाम को प्रोग्राम कराना चाहिए, थोड़ी धूप है, तो कहा नहीं साध्वी जी, यहाँ तो परमिशन बड़ी मुश्किल से मिलती है। हम कहते वाह, हम अगर बाइक चलाए तो उनको परेशानी होती है, यहाँ के गवर्नमेंट को, सरकार को, सबको परेशानी होती है। और उनका तो सुबह 5 बजे से जो फ्लू होता है महाराज, रात तक बंद नहीं होता, तब सरकार की कान बह रहे हो गए, तब समझ में नहीं आता, तब ध्वनि प्रदूषण नहीं होता, तब साउंड पॉल्यूशन नहीं होता। मैं आप सभी से निवेदन करना चाह रही थी कि लैंड जिहाद जिसकी बात मैं कर रही थी, केरला के और असम के ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहां वो रोज दिन में 5 बार रोड को ब्लॉक करके नमाज पढ़ते थे। कहा गया कि वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा क्यों करते हो, रोड पे क्यों, मस्जिद पे पढ़ो, तो कहा नहीं नहीं हमारे पास ना जगह नहीं है। तो 6 साल